नमस्कार सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं, छत्तीसगढ़ और एमपी के चुनावी रण में अब दिग्गजों ने मोर्चा संभाल लिया है और इसी क्रम में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के किले दुर्ग में कांग्रेस को यहां से प्रधानमंत्री ने चुनौती दी, तो एमपी के रतलाम में यह वादा किया कि जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो लड्डुओं के साथ रतलाम के सेव भी खाएंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री मोदी। आओ नहीं सही वो आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। एमपी के रतलाम में प्रधानमंत्री मोदी। कि एमपी के मन में और मोदी के मन में। एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में बीजेपी के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां की। पीएम मोदी का वही चिर परिचित अंदाज, विरोधियों पर कड़ा प्रहार, केंद्र की योजनाओं का बखान और विरोधियों की कमजोरी पर तीखे वार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और एमपी के रतलाम में पीएम मोदी ने बीजेपी के पक्ष में जमकर प्रचार किया। दुर्ग में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन योजना का फायदा अगले 5 साल तक बढ़ाएगी। पीएम ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर 9,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। 30% वाले आरोप को दोहराया। महादेव ऐप घोटाले में आरोप को लेकर मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस गरीबों के हक का पैसा लूटकर अपने नेताओं की तिजोरी में भरती रही। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है और जो उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीबों को उनको लूट करके जमा किया हुआ है, लूट के इसी पैसे से कांग्रेस नेता अपने घर भर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को चुनौती देकर एमपी पहुंचे पीएम मोदी ने रतलाम में बीजेपी के पक्ष में भी माहौल बनाया। रतलाम में सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जब 3 दिसंबर को बीजेपी सरकार की वापसी का जश्न मनेगा तो लड्डुओं के साथ रतलामी सेव भी खाया जाएगा। पीएम ने कांग्रेस को घोटालों से जोड़ा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर परिवारवाद का आरोप लगाया और रतलाम से आदिवासियों को साधने की कोशिश की। यहाँ कांग्रेस के 2 नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने की कंपटीशन चल रहा है। वो तो दोनों नेता तो अपने अपने बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि आगे किसको मिलेगा। लड़ाई इस बात की है कि किसका बेटा मध्य प्रदेश कांग्रेस पर कब्जा करेगा। कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद का परचम लहरा सकती है। जब 3 दिसंबर को भाजपा सरकार की वापसी का जश्न मनेगा तो लड्डू के साथ रतलामी सेव भी खूब खाया जाएगा। कुल मिलाकर एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में पीएम मोदी का आक्रामक प्रचार शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी को बेकरार बीजेपी के लिए पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला है, बदल के रही वो। तो एमपी में सत्ता बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर रहे हैं। नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि पीएम का धुआंधार प्रचार बीजेपी के लिए कितना असरदार रहा। इलेक्शन डेस्क, IBC24। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शनिवार को एमपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने श्योपुर के हजारेश्वर मेला मैदान में जनसभा की और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि भारत कहां से टूट रहा है जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कमल के निशान के सामने बटन दबाएं, आपका एक वोट
मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य सुनिश्चित करने के काम में। मध्य प्रदेश में फिर से बनने वाली भाजपा सरकार आने वाले दिनों में मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की नींव डालेगी। सीएम शिवराज ने शनिवार को धार में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। मुख्यमंत्री ने टांडा, बरमंडल और पीथमपुर पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने योजनाओं का बखान किया। इस दौरान सीएम ने किसानों और महिलाओं को लुभाने की कोशिश भी की। कमलनाथ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी कर रहा है, कन्या पूजन की नाटक नौटंकी। आप बताओ मेरी बहनों और भाइयों, क्या बेटियों की पूजा करना नाटक नौटंकी है? मोदी मामा भरवाएगा, बाकी 100 रुपया महीने आएगा, चिंता मत कर। चलो तो छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव में अब कुछ घंटे ही बाकी हैं और इस वक्त दिल्ली के कई उड़न खटोलों का रुख छत्तीसगढ़ की तरफ हो चुका है। दोनों ही दलों के बड़े नेता अपनी पार्टी के पक्ष में जमकर माहौल बना रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ छत्तीसगढ़ में प्रचार के लिए आज राहुल गांधी आए। जगदलपुर और रायगढ़ के खरसिया में कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की उन्होंने अपील की। हम आपके साथ खड़े हैं, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे और ये देश का जल, जंगल और जमीन, उस पर आपका हक रहेगा। पहले छत्तीसगढ़ का दक्षिणी इलाका जगदलपुर, फिर छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र यानी रायगढ़ का खरसिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ही दिन में छत्तीसगढ़ के दो अलग अलग कोने में जनसभा कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया और इनके निशाने पर फिर से रहे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी। राहुल ने मुद्दा चुना ओबीसी और आदिवासियों का। राहुल गांधी ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि पीएम मोदी कहते हैं कि देश में सिर्फ एक ही जाति है, वो है गरीब, और अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। राहुल ने आदिवासियों को साधने की भी कोशिश की और एक बार फिर से राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों का जिक्र किया। और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है और वो गरीब। अच्छा, अगर सिर्फ एक जात है तो आप अपने आप को ओबीसी क्यों कहते हो? हर भाषण में आप क्यों कहते हो कि मैं ओबीसी हूं? वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जानवर जैसे जंगल में रहते हैं। क्या बोले? ये शब्द आदिवासियों का अपमान है। इस शब्द को कांग्रेस पार्टी कभी नहीं स्वीकार कर सकती। जगदलपुर के बाद राहुल गांधी रायगढ़ के खरसिया पहुंचे, सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने नंद कुमार पटेल को भी याद करते हुए कहा कि अगर वे जिंदा होते तो प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे, इसीलिए उनके बेटे उमेश पटेल को भारी बहुमत से जिताने की अपील भी की। आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और उसका वीडियो लेकर वायरल करते हैं। जब किसी दलित बच्चे को मारा जाता है, हजारों सालों से दलितों को इस देश में लोगों को छूने नहीं देते थे उनको, आप ओबीसी की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, आदिवासियों की बात करते हो और अपने भाषण में आज कहते हो हिंदुस्तान में जाति नहीं। राहुल ने छत्तीसगढ़ में धान किसान के साथ आदिवासियों को भी साधने की कोशिश की। खरसिया में नंद कुमार पटेल को याद करते हुए आम लोगों की भावना से कनेक्ट करने की कोशिश की तो जगदलपुर में आदिवासियों की जमीन का मुद्दा उठाकर बीजेपी और पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इन ताबड़तोड़ प्रचार से ये तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस की नज़र महज विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो भाजपा के बाद अब कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सबकी नजर टिकी है।
कल तक कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने संकेत दिए कि घोषणा पत्र में किसानों को राहत देने के साथ ही 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ समेत कई घोषणाएं की जा सकती है। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीएस सिंहदेव ने क्या कहा, आप भी सुनिए। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर सबकी नजरें हैं। सीधे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले प्रतिक्रिया भाजपा के घोषणा पत्र को किस तरह से देखते हैं आप और कांग्रेस? कांग्रेस की पहली जीत भाजपा का घोषणा पत्र है कि जो नीतियों को अपना के कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 5 साल में काम किया, 40 लाख लोगों को इसके आधार पर गरीबी रेखा से ऊपर किया, उसको भाजपा ने मान लिया कि हाँ, हम जो सोचते थे वो गलत था, हमको कांग्रेस की नकल करनी पड़ेगी। तो अब लोग समझेंगे कि नकल करने वाले को क्यों लें, जब ओरिजिनल है तो हम ओरिजिनल पार्टी को ही अपनाएंगे। कर्ज माफी एक बड़ा जो फैक्टर था उसको भाजपा नहीं कर पाई है, किस तरीके से देखते हैं कर्ज माफी का मामला? उनकी सोच अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं, वहीं पर फंसे हुए हैं। क्या क्या शामिल हैं घोषणा पत्र में, क्योंकि लगातार आप संपर्क में हैं, आपसे पूछी जा रही हैं चीज़ें, फिर से आपको बुलावा आ गया है? जिन बातों को मैंने कहा, बिजली बिल हाफ की जगह बिजली बिल माफ़ की तरफ हम जा रहे हैं। अभी लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कई बार उनके पास बिल नहीं जाता और वो महीनों महीनों पटाते नहीं हैं, और एकदम से जब बिल आता है तो ब्याज लग के आता है। तो इस बात को महसूस करके कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि बिजली बिल हाफ नहीं, अब बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ रहेगा और एक नया पैसा उपभोक्ता से नहीं लिया जाएगा। हमारे करीब 52 लाख हैं छत्तीसगढ़ में, तो 52 लाख में से करीब 41-42 लाख परिवारों को बिजली बिल माफ हो जाएगा। तो ये थे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी। ये भी कहना है कि जो भाजपा का घोषणा पत्र है उससे बेहतर कांग्रेस का घोषणा पत्र होगा, और कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अपना विश्वास जरूर जताएगी। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। तो रायपुर के पश्चिम विधानसभा में चुनाव की जंग दिलचस्प मोड़ पर है। बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यहां पर वर्तमान विधायक विकास उपाध्याय चुनावी मैदान में प्रचार के दौरान लोग उन्हें 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। जब आप लोगों के घर जाते हैं तो आपका सत्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, आपका तो आपको प्यार करते हैं। उसी प्रकार का उत्साह जब मैं लोगों के पास डोर टू डोर जा रहा हूं, देखिए मैं जनसंपर्क जा रहा हूं और आशीर्वाद स्वरूप शगुन के तौर पर देखिए कैसे लोग मुझको मदद कर रहे हैं। हर गली मोहल्ले के अंदर जनता चाहती है कि 5 साल में इस रायपुर शहर के अंदर कुछ नहीं हुआ। जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्राइम गली मोहल्ले के अंदर इतना हो गया, जनता का जो रिस्पांस है, जिस प्रकार से जनता स्वयं आगे बढ़ करके स्वागत कर रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि यही नहीं पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर बह रही है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और उसे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे शनिवार को बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र को लेकर विस्तार से जानकारी दी। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनजाति कल्याण हेतु 5 लाख से ज्यादा पुनर्निर्माण पट्टे वितरण किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कल की घोषणा में 2 साल के बोनस 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसी घोषणा भी हुई है। बड़ी आर्थिक सुधार के साथ किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने योजना बनाई है और उनसे हम विश्वास दिलाना चाहते हैं उन्हें कि हमारी सरकार आने के बाद जिन विश्वास के साथ मोदी जी ने एक विश्वास दिलाया है, ये सारे काम आपके समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे ताकि इस छत्तीसगढ़ में संपूर्ण विकास हो सके। भाजपा ने जो संकल्प जारी किया है ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी का पत्र है। जो रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ इस कांग्रेस ने बना दिया है, उसे दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ भाजपा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की टीम बनकर एक बेहतर घोषणा पत्र किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए और हमारे सारे सुधा बहनों के लिए, वितरण के लिए, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले हमारे साथियों के लिए बेहतर
योजना बनाया है। ईश्वर के चरौदा में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मृतका का पोता ही हत्यारा निकला। आरोपी ने मां से लड़ाई करने पर दादी की हत्या कर दी थी। पुलिस की तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, फरार था, गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया। मुरैना में दो गुटों में विवाद के बाद हुई फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। बता दें कि विवाद गाना बजाने की बात को लेकर हुआ था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया। अंतिम दौर के प्रचार में कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं के लेकर फूल बेचने वाले व्यापारियों की भी चांदी हो रही है, क्योंकि फूल माला ही है जो नेताजी की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। जो भी कार्यकर्ता है, जो भी मतलब नेता है, बड़ी माला बनाते हैं अपने प्रिय नेता को, कम से कम अच्छी मोटी माला बना के बनाते हैं, 10-10 फीट की, 15-15 फीट की, कि भाई उनके वरिष्ठ नेता उनसे खुश हो। की माला जैसे कि 800, 1000, 2000, 10000 ऐसी मतलब हर प्रकार की बनती, जिसको जैसा चाहिए। 6 फीट से लेके 20 फीट तक की नेतागिरी में मांग के जी, इस प्रकार से माला की मांग बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से चुनाव में भी माला की मांग बढ़ती है। हमारे गरीब भाई बहनों को रोजगार प्राप्त होता है, माला की बिक्री होती है, तो मैं समझता हूँ निश्चित ये भी एक अच्छा चुनाव का रंग है जो हम लोगों को देखने में आता है। बीजेपी के मूल आधार आरएसएस के दबे पांव मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गए। संघ ने ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे अहम उन सीटों पर फोकस किया जिन पर पिछले 4 से 5 चुनाव में भाजपा जीत के लिए तरस रही है। संघ ने इन क्षेत्रों में सीधे चुनाव प्रचार न करते हुए विचारधारा से जुड़े लोगों को भाजपा के पक्ष में सक्रिय करने के लिए अपनी टोलियों को चुनावी समर में उतार दिया है। ग्वालियर चंबल के बीजेपी के प्रत्याशियों के साथ बड़े नेताओं का आरएसएस के राष्ट्रोत्थान न्यास नई सड़क पर बुलाकर उनसे चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। साथ ही ये पूछा जा रहा है कि उन्हें किन किन क्षेत्रों में संघ की मदद की जरूरत है ताकि स्वयंसेवकों को मोर्चा संभालने के लिए भेजा जाए। हालांकि संघ चुनाव की सक्रिय राजनीति से दूर रहता है, अब भी संघ की प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में कोई भागीदारी नहीं होगी, केवल विचारधारा के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद करनी है, क्योंकि राम मंदिर, धारा 370 हटने, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर राजनीति में मजबूती से ही सफलता मिली है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चुनाव लड़ रहे हैं वो हमारा बिल्कुल नुकसान नहीं कर सकते हैं, वो नुकसान करेंगे तो वो कांग्रेस का करेंगे। आप जहां भी देखिए, पूरे देश में जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है वहां भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होती है। ग्वालियर चंबल संभाग में संघ का गांव-गांव से लेकर गली मोहल्लों व संभ्रांत वर्ग में मजबूत नेटवर्क है और कई प्रकल्पों के माध्यम से संघ सर्व वर्गों में सर्वमान्य माना जाता है, क्योंकि संघ के कई प्रकल्पों ने समाज को नई दिशा और एक नया विचार दिया है। इसके साथ ही आपातकालीन परिस्थितियों में भी संघ नागरिकों की मदद करने में आगे रहता है। निष्ठावान व विचारधारा के प्रति समर्पित स्वयंसेवकों की एक बड़ी फौज है, ऐसे में वो उनकी मदद ले रही है जिस पर कांग्रेस हमलावर है। आरएसएस का जब तक जनाधार है, पार्टी का जनाधार है, मन में लोग विचार करते हैं, तब तक आरएसएस की सुनी जाती है, और जब जनता वोट देना ही नहीं चाहती तो आरएसएस के लोग आ जाएं। अब यहाँ तो कोई बचा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस आ गई, मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गए, तमाम उनकी सेंट्रल लीडरशिप आ गई है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव बुरी तरीके से हारने जा रही है। हर चुनाव में ये प्रक्रिया संघ द्वारा अपनाई जाती है। इस बार चूँकि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की स्थिति खराब है, 2018 में भी आरएसएस लगातार सक्रिय हुई थी पर्दे के पीछे से, लेकिन उसकी अपनी एक सीमाएं होती है, क्योंकि आरएसएस स्वयंसेवक बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में भाजपा की मदद के लिए संघ में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। भाजपा प्रत्याशियों के साथ बैठकर मंथन कर स्वयंसेवकों को उन क्षेत्रों में सक्रिय किया जा रहा है जहां प्रतिद्वंदी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का जिम्मा स्वयंसेवकों को सौंपा गया है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। और इस बीच एक बड़ी खबर मुरैना से, जहां परिजनों से मिले नरेंद्र सिंह तोमर, गोली मारकर युवक की हत्या का यह पूरा मामला है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मृतक के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात की। तोमर ने बदमाश को पकड़कर कड़ी कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया है। मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया गया। नरेंद्र तोमर के साथ गुर्जर समाज के कई नेताओं ने
यहाँ पर ढांढस बंधाया, मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया गया। तो आज जिस तरह से यह पूरी घटना हुई, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर परिजनों के पास पहुंचे, उन्हें ढांढस बंधाया। सीएम शिवराज ने शनिवार को इंदौर की महू विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा श्राद्ध कराएंगे क्योंकि लेकिन मामा राग के ढेर में भी खड़ा हो जाएंगे। वहीं सीएम शिवराज ने आम जनता से कई चुनावी वादे किए। पोस्ट डाल के श्राद्ध ही करवा दिया था, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा राग के ढेर में से भी उठ के खड़ा हो जाऊंगा अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। मुझे कितनी गाली दो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठा के देखा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, ऐसी हालत कर दूंगा कि ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा। क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को डराओगे, धमका के वोट लोगे? क्या उनको अपने मन से अपनी पार्टी चुनने का अधिकार नहीं है? उनको डराया और धमकाया जा रहा है। अरे मुझसे दुश्मनी है तो बदला मुझसे लो, मेरे बारे में कुछ भी उठपटांग बोलो, लेकिन अगर बहनों को डराया धमकाया और उनके बच्चों को भूखा मार देंगे ऐसी बात की, तो हम ऐसा कहने वालों को छोड़ेंगे नहीं। तो छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है। नारायणपुर के अति नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान दलों को वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। बता दें कि नारायणपुर विधानसभा में कुल 265 मतदान केंद्र है, जिसमें 29 मतदान केंद्र अति संवेदनशील है। विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटी लगी है कोंगे, जहाँ जो शिफ्टिंग बूथ छोटे बैठिया वहाँ जा रहे हैं। चुनौतियाँ तो यही रहती है, डर बहुत लगता है, नक्सल प्रभावित एरिया है तो लगता ही है। हमारे पास पर्याप्त फोर्स की व्यवस्था है जो निरंतर क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, ताकि एक भय रहित माहौल हो और हम हमारे जितने भी मतदाता हैं उनको कैसा माहौल दे पाए, जिससे बिना किसी भय और प्रलोभन के वो अपना मतदान कर सकें। आज 16 मतदान केंद्र के मतदान कर्मियों को भेजा जाना है, जिसमें जिसकी शुरुआत अभी हुई है और ये आगामी समयों में आज और कल इन मतदान केंद्रों को हेलीकॉप्टर के द्वारा इनके मतदान केंद्रों पर भेजा जाए। पश्चिम बंगाल से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पखांजूर में चुनावी सभा करने पहुंचे। अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी रूप सिंह पोचाई के पक्ष में सभा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर बरसे। मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये सरकार की बात है, सबको जानते हैं। इसलिए आज के चुनाव में ये जो छत्तीसगढ़ है ना, ये भूपेल बागेश छाए हुए। हमारा बात यह है कि हम जो वादा करते निभाते हैं, वो जो वादा करता है वो ठगाते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सांसद नकुलनाथ शनिवार को पादुर्णा पहुंचे और चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान नकुलनाथ ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। नकुलनाथ ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जी ने 11 गारंटी और 101 वचन दिए, जिससे किसानों का कर्ज माफ, बिजली का बिल हाफ, नारी सम्मान में 1500 प्रतिमाह शामिल है। मध्य प्रदेश की जनता को 11 गारंटी दी है और 101 वचन दिए हैं, लेकिन ये याद रखिएगा, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम झूठी घोषणा नहीं करते, हम कांग्रेस पार्टी हैं, हम वचन देते हैं और वचन निभाते हैं। तो एमपी विधानसभा चुनाव में इस बार युवाओं का मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा है। बड़ी संख्या में नए वोटर्स भी मतदान से जुड़ने जा रहे हैं। ऐसे में नए वोटर्स क्या चाहते हैं और किसे चाहते हैं, युवाओं के मन की बात जानने के लिए उनसे बात की हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने।
पूरी तरह से चुनाव का माहौल जो है वो लोगों के सर पर चढ़ चुका है। और इस वक्त मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हूँ इंदौर के, जहाँ पर हमारे साथ बड़ी संख्या में युवा वोटर्स जो है वो मौजूद है। इनमें से कई युवा वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार मतदान देने वाले हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा वोटर्स मौजूद है, इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहता है युवा वोटर, क्या लगता है किसको वोट देना सही रहेगा, और आप इस बार मतदान देने जाएंगे पहली बार तो क्या सोच लेकर जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने MP-DAS की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, एक साल हो गया मुझे अपनी स्कॉलर नहीं आई है, जस्ट अभी BJP की गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगी कि मैं कमलनाथ की गवर्नमेंट लाऊं और मेरा जो स्कॉलरशिप अभी तक रुकी हुई है मैं उसको आगे करूं। क्या कारण होगा कि इस बार आप मतदान जो है वो अपनी पार्टी को चुनकर देंगे, किसे चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? मैं BJP को चुनूंगा क्योंकि विकास तो हुआ ही है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं स्कॉलरशिप को लेकर, उसके बारे में कंप्लेंट्स भी किए मैंने। BJP के कारण विकास हुआ ऐसा इनका कहना है, आप सहमति रखोगे कि BJP के कारण विकास हुआ है? विकास तो होगा ही, कोई भी आए, कितना हुआ है कैसे हुआ है उस पर फर्क पड़ता है। तो मतदान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने को राइट वो मिलेगा कि जो आपको लीड कर रहे हैं बहुत वर्क किया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको मतलब एक आपको जो लीडर मिलता है वो अच्छा होगा अगर आप सही वोट देंगे। बिल्कुल, आपको लगता है कि अगर सही वोट देंगे तो लीडर सही होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पार्टी से पहले लीडर से मतलब है। अच्छा। और मैंने जो लोकल लीडर देखे हैं मुझे ऐसा लगता है, मैं उन्हें जब भी देखता हूँ मुझे करप्शन ही दिखता है। पहली बार वोट देने जाएंगे? पहली बार जाएंगे। क्या लगता है युवा जो है इस बार बड़ी संख्या में वोट देने वाला है और बड़ा परसेंटेज युवा का है वोटर्स में, तो ऐसे में आप लोग जो पहली बार वोट देने वाले हैं आप लोगों का व्यू पॉइंट क्या रहेगा? व्यू पॉइंट ये है कि मतलब मैंने तो डिसाइड कर रखा है किसको देना है वोट, BJP को देना है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और एक और रीज़न है थोड़ा, और क्या रीज़न है यही थोड़ा मतलब कि जो यूथ के बीच अवेयरनेस वो क्रिएट कर रहे हैं जो, और अभी उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है BJP के आने के बाद वो बहुत मतलब कि इंडिया को उन्होंने एक अलग ही स्टैंड पे लाके खड़ा कर दिया, तो बस इसलिए BJP रहेगा मेरा तो। जी बिल्कुल, तो हमने आज यहाँ पर जनता से बात की जो कि मतदाता है, जो कि युवा है, और ऐसे में कई इनमें से ऐसे थे जो पहली बार मतदान देने वाले हैं। युवा क्या चाहता है वो हमने IBC के दर्शकों को बताने की कोशिश की है। इस तरह की चर्चाएं जो आपसे करते रहेंगे, आपके साथ बने रहिए IBC 24 के साथ। मैं निहारिका शर्मा, कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ, IBC 24 इंदौर। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों के बीच नारायणपुर में बड़ी खबर, कौशल नार में BJP के जिला उपाध्यक्ष रतन दुबे की नक्सलियों ने हत्या कर दी। रतन दुबे चुनाव प्रचार के लिए ग्राम कौशल नार निकले थे, रतन दुबे की हत्या के बाद सियासत गर्म हो गई है। श्री रतन दुबे जो एक इंटीरियर गांव में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे, उस समय नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से उन पर आक्रमण किया, निर्मम हत्या की गई है कि नक्सलवादी इस समय हताशा में है, उनको भय लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो शायद हम नहीं रह पाएंगे, इस तरह की घटना है। और ये टारगेट किलिंग निरंतर वो करते जा रहे हैं, और इससे लगता है कि राज्य सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एक ढंग बदतर से बदतर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष रतन दुबे जी की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई है। बाजार में सभा कर रहे थे पार्टी के पक्ष में और उनकी कुल्हाड़ी से मारकर हत्या की गई है। इस तरह से लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, और छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार अब जाने वाली है। चुनाव हारने जीतने के लिए कोई आदमी हत्या कराता है क्या? सोचना, यानी आरोप लगाने के पहले भी सोचना चाहिए इस चीज़ को। कोई दूसरा आरोप लगाते डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, तो ये समझ में आता है। हार के डर से हत्या कराना ये थोड़ा उचित मुझे नहीं लगता। इस टारगेट किलिंग है और इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। हमारे सम्मानीय रत्नेश दुबे जी जो जिला उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पार्टी उसके साथ खड़ी है और किसी भी हमारे कार्यकर्ता का मनोबल गिरने नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा निंदनीय है, और पूर्वा में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ भी हुआ, हमेशा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो जिस प्रकार टारगेट बनाया जा रहा है बहुत बड़ा निंदनीय है।
इस संबंध में हम अग्रिम विवेचना कर रहे हैं अपराध पंजीबद्ध करके, जहाँ पे भी चुनाव प्रचार प्रसार की जो हमें पूर्व में सूचना मिलती है वहाँ पे अपना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बागियों ने दोनों पार्टियों की मुसीबत बढ़ा दी। काफी मान मनोबल के बाद भी कई निर्दलीय और दूसरे दलों के टिकट से चुनाव लड़ने वाले बागी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव के एन पहले इन बागियों के खिलाफ सख्ती दिखाई। कांग्रेस ने 39 बागियों को पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और कांग्रेस जो कि एक आंदोलन से निकली हुई एक पार्टी है, हमारी सोच है, विचारधारा है, और उस विचारधारा के विपरीत जो भी व्यक्ति काम करेगा, देखिए व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है, और जो विचारधारा के विपरीत जो व्यक्ति खुद की महत्वाकांक्षा के लिए काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसे दंडात्मक कार्यवाही उसे झेलनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में पराजय सुनिश्चित है। किसी को निकालें, किसी को शामिल करें, सब प्रभावहीन है। और कारण बहुत स्पष्ट है कि जब छिंदवाड़ा में स्वयं श्रीमान कमलनाथ जी की पराजय सुनिश्चित हो, कम से कम 100 स्थानों पर विद्रोह है कांग्रेस पार्टी में, 39 निकाले, 61 और बाकी हैं, किस किस पर कार्रवाई करोगे? इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।